सो गाइज, अगर आप भी इंस्टाग्राम पर एक नया अकाउंट बनाने के लिए सोच रहे हैं या फिर एक नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो फिर तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीका बताने वाला हूँ। क्योंकि इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाने का प्रोसेस पहले अलग था और अब जो है इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाने का प्रोसेस बिल्कुल ही अब डिफरेंट हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताने वाला हूँ, एंड आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी वीडियो को देखकर जो है बहुत ही इजी तरीके से आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है बना सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, इंस्टाग्राम पर एक नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए, एक नया अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को इस तरह से ओपन करके यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम, और यहाँ से इंस्टाग्राम को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने पहले से ही यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, तो सिंपली आपको यहाँ से इस तरह से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है आपका फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्रिएट न्यू अकाउंट, इस तरह का ऑप्शन आप में ज़रूर आएगा। तो चलिए इस वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लिया है, एंड देन नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर इस तरह से क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर फिर से अगेन यहाँ पर एक कोड आएगा, कन्फर्मेशन कोड 6 डिजिट का इसी मोबाइल नंबर पर। तो चलिए वो नंबर भी आ चुका है, और यहाँ पर जो देख पा रहे हैं कि ये नंबर भी आ चुका है। एंड देन अब आपको सिंपली क्या करना है कि आपको अपना फुल नेम लिखना है, जो भी आप अपने इंस्टाग्राम का यूज़र नेम जो है लिखना चाहते हैं। तो चलिए मैं अपना नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना फुल नेम लिख लिया है, एंड देन नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर इस तरह से क्लिक कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है पासवर्ड यहाँ पर पूछ रहा है डालने के लिए, तो आपको यहाँ पर पासवर्ड जो है कैपिटल लेटर के साथ साथ आपको कुछ डिजिट्स भी यहाँ पर डालना होगा, 6 डिजिट का वो पासवर्ड होना चाहिए। तो चलिए मैं अपने पासवर्ड यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाल लिया है, एंड देन नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर इस तरह से क्लिक कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो एक नया पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या ये पासवर्ड जो है आप अपने मोबाइल में ही सेव करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो ऑफ कोर्स मैं ये जो है पासवर्ड सेव करना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में अगर मैं लॉग आउट भी कर लूँ और बाद में मैं फिर लॉग इन करूँ तो यहाँ पर पासवर्ड नहीं मांगता है दोस्तों, तो इसीलिए मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो चलिए डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर लिया है, एंड देन सेट वाले ऑप्शन पे इस तरह से क्लिक कर लेना है। अगेन यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन आएगा इस वाले ऑप्शन पे इस तरह से क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यूज़र नेम। तो अगर आप चाहें तो यूज़र नेम में आप थोड़ा चेंजिंग भी कर सकते हैं। वैसे ये यूज़र नेम जो है इंस्टाग्राम के तरफ से मिला है, अगर आप इसमें और चेंजिंग करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर टैप करके अपने अकॉर्डिंग जो है एक नया यूज़र नेम जो है लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना यूज़र नेम लिख लिया है। ध्यान रहे कि यूज़र नेम में आपको स्पेस नहीं देना है, अगर आप इस तरह से स्पेस देंगे तो यहाँ पर ये जो है ऑटोमेटिक नहीं लेगा, तो आपको स्पेस नहीं देना है। एंड देन यहाँ पर जो है नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर जो है कुछ टर्म्स ऑफ रूल्स दिए हुए हैं, तो आपको सिंपली इस तरह से एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद जो है एक नया पेज आपके सामने जो है अगेन फिर से खुलकर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर एक नया पेज आपके सामने खुलकर आ गया है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में फोटो लगाना चाहते हैं। अगर लगाना चाहते हैं तो ऐड पिक्चर वाले ऑप्शन पर इस तरह से क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि चूज़ फ्रॉम गैलरी इस वाले ऑप्शन पर। जैसे मैं क्लिक करूँगा मैं अपने मोबाइल के गैलरी में सीधे पहुँच जाऊँगा दोस्तों। अब यहाँ पे जो भी आपको फोटो अच्छा लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है कोई फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं ये वाले फोटो को, इस वाले रैबिट वाले फोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक नया अकाउंट क्रिएट हो चुका है, एक नया अकाउंट बन चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा इंस्टाग्राम का होम पेज है। यहाँ पर जो है कोई भी बंदा अगर पोस्ट करता है तो यहाँ पर उसके पोस्ट को आप आसानी से देख सकते हो। देन यहाँ पर आप सर्च का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऊपर में जिस भी फ्रेंड को आप सर्च करना चाहे तो उसको यहाँ से आसानी से जो है आप सर्च कर सकते हो दोस्तों। एंड देन यहाँ पर बीच वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हो, ये रील्स का ऑप्शन है। इस वाले ऑप्शन पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर बहुत सारे आपको रील्स जो है देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। और ये जो हार्ट का सिम्बॉल आप देख पा रहे हो,
इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही मैं टैप करूंगा तो यहाँ पर वो सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे कि आपको कौन से बंदे ने लाइक किया है, किसने फॉलो किया है, वो सारे जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एंड देन ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल का सेक्शन है, इस वाले ऑप्शन पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मैं अपने होम पेज पर मतलब कि अपने जो है इंस्टाग्राम जो है सेटिंग वाले ऑप्शन पर चल जाऊँगा और यहाँ से कुछ भी अगर एडिट करना चाहूँ तो आसानी से मैं एडिट कर सकता हूँ। साथ ही यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि कितने लोग फॉलो किए हैं, कितने मेरे फॉलोअर्स हैं। साथ ही यहाँ पर जो है आप अपने थ्री लाइन वाले पर ऑप्शन पर जाकर सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेटिंग जो देखने को मिलेंगे, प्राइवेसी वगैरह, सिक्योरिटी, सारे सेटिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सो इस तरह से आप जो है इंस्टाग्राम पर एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, एक नया अकाउंट जो है बना सकते हैं दोस्तों। सो गाइस इंस्टाग्राम से रिलेटेड और वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।